नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे, जो कि आपका यूपी का है, काफी महत्वपूर्ण है। तो चलते स्टार्ट करते हैं आपके यहाँ पर 61 नंबर से। कर आपसे महोदया किसका प्राचीन नाम है, महोदया किसका प्राचीन नाम है? तो ये है आपके ऑप्शन राइट आपके बी कन्नौज का, ये आपका प्राचीनता नाम है। याद रखिएगा कि हर्षवर्धन के काल में कन्नौज की समृद्धि व महत्व चरम पर थी। उस समय कन्नौज नगर जो था वो महोदय श्री कहलाता था, ठीक है ना। और हर्षवर्धन में कन्नौज में अनेक संग्रहालय थे इनके समय में, जिसमें से 10,000 भिक्षु रखते थे। इसके अलावा लगभग 200 से ज्यादा आपके देवी देवताओं के मंदिर भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, ये आपका कौन सा चर्च है? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, सरधना। ठीक है, याद रखिएगा सरधना जो कि मेरठ से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक प्राचीन नगर है, जहाँ दक्षिण एशिया का अद्भुत चर्च आपका है, और इस चर्च को बेगम समरू ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं आपके चार ऑप्शन है। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल जो कि आपका मगहर है, बिल्कुल बात सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल जो कुशीनगर है, बिल्कुल सही है। तीसरा आपसे कह रहा है हाजी वारिद अली साहब की जो आपकी है वो देवी शरीफ मजार, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा आपसे कह रहा है 88,000 ऋषियों की आपकी स्थली जो आपकी है तपस्थली, वो आपकी संकिसा दे रहा है, तो बिल्कुल ये गलत है आपका। यहाँ पर 88,000 ऋषियों की जो तपस्थली है वो आपकी सीतापुर है, नामसारण। ठीक है, नामसारण जो आपका है सीतापुर में, ठीक है ना। तो ये आपके यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिए गए हैं, सूची आपके एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ उनके स्तूप या कह सकते हैं मठ दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो कौशाम्बी है, याद रखिएगा आपके यहाँ पर कौशाम्बी है, तो कौशाम्बी का क्या हो जाएगा? तो इसका आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, घोषित राम मठ हो जाएगा, ठीक है ना। आपका वहीं पर अगर बात करें, जो जो आपको आ रहा है पहला उसको हम लोग मिलान कर लिया करें, कभी भी हो जब जो चीज आपको आती हो उसका मिलान करिए, जरूर नहीं होगा, हम यहाँ पर क्रम से करेंगे। तो आपका जो धम्मे स्तूप है, धम्मे स्तूप वो आपके कह सकते हैं कि वाराणसी जनपद में एक सारनाथ, अर्थात इसका जो आपका हो जाएगा, आपका इसका हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि घोषित राम आपका हो ही चुका है, जिसे घोषित राम से बनवाया था। और वहीं पर देखा जाए तो आपका जो राम भार स्तूप कुशीनगर में है, राम भार जो स्तूप है वो कुशीनगर में है, इसका आपका ये हो जाएगा। तो बचा हुआ आपका श्रावस्ती आपका जो है सहेत महेत, ये आपके यहाँ पर जो हो जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके ये हो जाएंगे, और राइट आंसर आपका इसका जो होगा आपका यहाँ कोई आपको थर्ड दिया गया है, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चक्रतीर्थ एवं व्यास गद्दी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में चक्रतीर्थ एवं व्यास गद्दी कहाँ है, ये आपकी कहाँ पर है? तो आपका राइट आपका फोर हो जाएगा, नैमिसारण। अभी हमने बताया था कि पृथ्वी का सर्वोपर तीर्थ जो कि चक्रतीर्थ है वो आपके नैमिसारण अर्थात सीतापुर जिला में स्थित है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की मानसिक शक्ति से निर्मित दिव्य चक्र के गिरने से यहाँ गोलाकार कुंड जो कि चक्रतीर्थ बना था, और चक्रतीर्थ के पास व्यास गद्दी नामक स्थान पर व्यास जी ने वेद को चार भागों में विभाजित किया और पुराणों की रचना की थी, इसलिए आपका ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है देवा शरीफ किस जनपद में है, देवा शरीफ से क्वेश्चन हमारा हमेशा पूछा जा रहा है। तो देवा शरीफ जो किस जनपद में है, तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके बाराबंकी में। यहाँ पर क्वेश्चन क्यों बनता है तो इसको समझ लीजिए कि देवा शरीफ बाराबंकी जनपद में अवस्थित है, और बाराबंकी से 12 किलोमीटर दूर देवा नामक स्थान पर प्रसिद्ध सूफी संत थे हाजिद वारिद अली शाह की मजार है, और उनके वार्षिक उत्सव के अवसर पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में एक भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ गया है, हमने बता दिया है कि जो टेस्ट पेपर है थोड़ा इजी भी है, कठिन भी है, सभी लेवल आपको यहाँ पर मिक्स है, सभी प्रश्न आपके पूछे गए कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आपका दे दिया गया है सूची फर्स्ट को, सूची सेकंड से आपको यहाँ पर करना है, कुछ आपके यहाँ पर कह सकते हैं मेरठ वगैरह है, कुछ सूची आपके दी गई है। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि पिशाच मोचन जो कि आपके वाराणसी में है, याद रखिएगा पिशाच मोचन कहाँ पर है, ये आपके वाराणसी
वाराणसी में स्थित है और ऐसी मान्यता है कि पिशाच मोचन के कुंड में स्नान करने से प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है, ठीक है ना। जो आपका वीर बाल का है रंग महल, वो आपकी कालपी में है, ठीक है ना। वीर बाल का जो रंग महल है ये आपका बीरबल का है, ये आपके कहाँ पर है, कालपी में है। इसका आपका ये आपका फोर हो जाएगा, ठीक है ना, कहाँ पर है, कालपी में है। और आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था जो कि वर्तमान में मेरठ जनपद में है। तो आपका आलमगीर कहाँ पर हो जाएगा, इसका आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपके मेरठ जनपद में है। हनुमानगढ़ी मंदिर जो कि हनुमान जी का मंदिर है जो कि अयोध्या में है, कहाँ पर आपका अयोध्या में है, तो इसका आपका सेकेंड हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये मिलान करेंगे, समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर अगर आपको देखना है तो वैसे हमने यहाँ पर जो मिलान कर दिया है आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर इसका आंसर देखना है तो आंसर आपका इसका हो जाएगा, आपको फोर हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को तीर्थ राज की संज्ञा दी गई है, तो ये आपका कौन सा जनपद है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा फोर, इलाहाबाद, ठीक है ना, कौन है आपका, इलाहाबाद। आपके गंगा यमुना के संगम पर स्थित नगर आपका इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी कहते हैं। और प्रयागराज जो कि कह सकते हैं कि सभी हिंदू तीर्थों का राजा होने का सम्मान भी प्राप्त है। यहाँ प्रत्येक वर्ष 12वें वर्ष महाकुंभ तथा प्रत्येक छठे वर्ष अर्धकुंभ तथा प्रत्येक वर्ष माघ माह में माघ मेला भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कुरु महाजनपद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो कुरु महाजनपद को जो संबंध है उत्तर प्रदेश के किस जनपद से, तो ये आपको ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, मेरठ, ठीक है ना, कहाँ से है, मेरठ से है। कहा जाता है कि महाजनपद काल के एक प्रमुख महाजनपद कुरु का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है। और महाभारत काल में कुरु एक प्रमुख राज्य था जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। इसके अंतर्गत आधुनिक दिल्ली व मेरठ के भी कुछ भाग हुए आपके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपसे, बांसखेड़ा किस जनपद में अवस्थित है, बांसखेड़ा किस जनपद में अवस्थित है, तो बांसखेड़ा आपका अवस्थित आपकी शाहजहांपुर, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपका शाहजहांपुर जनपद में आपका है, जो गंगा नदी के तट पर आपका स्थित है। और कह सकते हैं कि यहाँ से 628 ईस्वी पूर्व का एक ताम्र पत्र मिला था जिससे हर्ष की वंशावली का आपकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कर आपसे, बौद्ध विहार आपका जो बौद्ध विहार है आपका कौन सा, जेतवन कहाँ पर स्थित है, तो आपका बौद्ध विहार जेतवन कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके श्रावस्ती में, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, श्रावस्ती में, जिसका निर्माण श्रावस्ती के एक साहूकार थे अनाथ पिंडक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा आपसे कि रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, तो ये है आपके ऑप्शन राइट आपके डी, आपके वृंदावन में, ठीक है ना, आपका जो मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वृंदावन, जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर गोविंद देव और आपके रंगनाथ जी का मंदिर जो कि द्राविड शैली में सफेद पत्थर से आपके बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि श्रृंगवेरपुर वर्तमान में कहाँ पर है, श्रृंगवेरपुर वर्तमान में कहां पर है, तो ये आपका पड़ता है आपकी प्रयाग, ऑप्शन राइट आपका यहां पर सी हो जाएगा, प्रयाग, जो कि आप लोग जानते हैं कि आपके इलाहाबाद को ही नाम आपका प्रयागराज आपका हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्रह्मा सारणी किस स्थान का मूल नाम था, ब्रह्मा सारणी किस स्थान का मूल नाम था, तो ये था किसका, तो बरसाना का था, ठीक है ना, बरसाना का मूल नाम क्या है, मूल नाम था आपका ब्रह्मा सारणी था। और यह एक पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। बरसाना को श्री कृष्ण जी की प्रिया जो आपकी राधा जी का जन्म स्थान होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि विंध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में है, विंध्यवासिनी का, तो ये आपका पड़ता है मिर्जापुर, ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा, कि मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल नामक स्थान पर विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। और यहाँ पर दोनों नवरात्रों में प्रतिवर्ष मेला आपका लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कर आपसे, श्रृंगी ऋषि का मंदिर किस जनपद में अवस्थित है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रृंगी ऋषि का जो मंदिर है वो किस जनपद में स्थित है, तो ये स्थित आपके फर्रुखाबाद, ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा, फर्रुखाबाद जिले में गंगा के दाएं ओर बसे श्री श्रृंगीपुर राम में श्रृंगी ऋषि का एक
मंदिर है। कहा जाता है कि श्रृंगी ऋषि ने अपने सिर पर उठे सिंह को हटाने के लिए तपस्या किया थी तथा तपस्या के पश्चात सिंह हट गए थे, इसलिए प्रतिवर्ष यहाँ कह सकते हैं मेले आपके कार्तिक पूर्णिमा को तथा दूसरे दशहरे पर लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि प्राचीन ब्रह्मावर्त तीर्थ वर्तमान में कहाँ स्थित है। प्राचीन ब्रह्मावर्त तीर्थ वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके बिठूर में। याद रखिएगा बिठूर ऑप्शन एट आपका फर्स्ट हो जाएगा, जो कि कानपुर से लगभग 24 किलोमीटर गंगा तट पर आपका स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि नाथ संप्रदाय का सिद्ध पीठ गोला गोकर्ण नाथ किस जनपद में है। नाथ संप्रदाय का सिद्ध पीठ गोला गोकर्ण नाथ किस जनपद में है, ये है आपके ऑप्शन राइट आपका 78 का हो जाएगा थर्ड, लखीमपुर खीरी। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर आपका गोला गोकर्ण नाथ में एक आपका विशाल झील और उसके निकट आपके भगवान गोकर्णनाथ महादेव का एक विशाल आपका प्रचितम मंदिर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। अगर आपसे जैनियों का काशी किसे कहा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैनियों का काशी किसे कहा जाता है, तो जैनियों का काशी कहा जाता है आपके ऑप्शन डी हस्तिनापुर को कहा जाता है। ठीक है ना, ये एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है या जैनियों का काशी है। 16वें 17वें 18वें तीर्थकर जो कि आपके शांतिनाथ कुंदुकनाथ और आपके अरनाथ का जन्म व दीक्षा यहीं हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा आपसे देवबंद किस जनपद में स्थित है, देवबंद किस जनपद में स्थित है, तो ये स्थित आपके सहारनपुर में, ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा, सहारनपुर में स्थित आपका देवबंद में एक प्रसिद्ध कलात्मक व धार्मिक दुर्गा जी का मंदिर है। ठीक है ना, और मंदिर के पास ही देवी कुंड है जो कि श्रद्धालुओं को बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा आपसे शुक्रताल किस जनपद में अवस्थित है, शुक्रताल किस जनपद में स्थित है, तो शुक्रताल आपका अवस्थित आपके ऑप्शन राइट आपका सेकंड मुजफ्फरपुर नगर। ठीक है ना, मुजफ्फरपुर नगर जिले में स्थित है और इस स्थल पर वट वृक्ष के नीचे बैठकर महर्षि शुक्राचार्य जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। कर आपसे गोरखनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, गोरखनाथ मंदिर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है और सबको पता भी होगा कि गोरखनाथ मंदिर आपके जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, गोरखपुर जिले में आपका स्थित है, गोरखपुर राप्ती नदी। ठीक है, याद रखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गोरखपुर जो बसा है कहाँ पर, तो राप्ती नदी, ताप्ती नहीं, याद रखना राप्ती नदी के बाएं तट पर बसा है और बाबा गोरखनाथ मंदिर यहाँ का प्रमुख दर्शनीय आपका स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जयचंद का किला कहाँ अवस्थित है, जयचंद का किला कहाँ अवस्थित है, तो जयचंद का किला आपके कन्नौज में अवस्थित है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, कन्नौज में स्थित आपका जयचंद का किला, मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के समय जो कि जयचंद कन्नौज का राजा था और पुरातत्व कलात्मक व संस्कृत के साथ साथ कन्नौज अपने इत्र के लिए भी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, आपसे पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है, पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है, तो ये मंदिर आपकी ऑप्शन राइट आपका यहां पर जो हो जाएगा 84 का ए बलरामपुर। ये भी आप लोग जानते होंगे पाटेश्वरी देवी का जो मंदिर बलरामपुर जनपद के देवी पाटन स्थल पर आपका तुलसीपुर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। कहा जाता है कि यहां पर देवी की स्थापना महाराज विक्रमादित्य ने की थी और यहां प्रतिवर्ष मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है गुरु द्रोण चार्य की जन्म स्थली बताइए, गुरु द्रोणाचार्य की जो जन्म स्थली है वो आपकी कहाँ है, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सेकंड हो जाएगा कंपिल्ले। कहाँ पर है आपकी, कंपिल है और जो फर्रुखाबाद जनपद में अवस्थित है। ठीक है ना, महाजनपद युग में यह दक्षिणी पंचाल जनपद की राजधानी थी। गंगा के दाएं तट पर स्थित यह तीर्थ स्थान जैन धर्म के 13वें तीर्थकर श्री विमलनाथ द्रौपदी व आपके द्रोणाचार्य की जन्मस्थली भी आपकी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कर आपसे महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है, महापरिनिर्वाण मंदिर आपके कुशीनगर में है जो कि ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, कुशीनगर में है। यहीं पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यहाँ पर खुदाई में एक प्राचीन निर्माण स्तूप भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कर आपसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ मंदिर है और आपकी स्थान भी आपको देख रहा है।
मतलब दिया गया है, तो आपको यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, मिलान करना है। तो देखते हैं यहाँ पर मिलान करने में आपको इस प्रकार से आपके कोड दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पर जो शाहजी का मंदिर है वो आपके कहाँ पर पड़ता है, शाहजी का मंदिर ये कहाँ पड़ता है, तो शाहजी का मंदिर आपके वृंदावन में है। कहाँ पर है, वृंदावन में, अर्थात इसका ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर इसका सेकेंड हो जाएगा वृंदावन में, ठीक है। और यहीं पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण, सॉरी यहाँ पर शाहजी का मंदिर वृंदावन में है, और आपका जो हुलासखेड़ा जनपद आपके लखनऊ में है, ठीक है। हुलासखेड़ा आपके कहाँ पर है, लखनऊ में, तो इसका आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ठीक है, हुलास आपका यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ से कुषाण काल के गुप्त काल तक के भौतिक अवशेष आपके यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। राजघाट आपको पता है वाराणसी नगर का उपभाग है, राजघाट कहाँ का है, तो वाराणसी इसका आपका यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये वाराणसी नगर का उपभाग है जहाँ से उत्तरी काले मृदभान संस्कृत के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आपका लाल दरवाजा जो कि जौनपुर में है, ठीक है, लाल दरवाजा कहां पर है आपके, जौनपुर में है, जो कि सरकी स्थापत्य का एक बेहतर आपका नमूना है। तो इस प्रकार से इसको भी आप देख सकते हैं, इसमें क्रम आप बना सकते हैं। और यहां पर स्क्रीनशॉट या आप अगर डेली का डेली अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपने नोट में आप ऐसे वन लाइनर की तरह क्वेश्चन लिखते जाइए, तो आपको दिक्कत नहीं होंगे। जब आपके पास डेली का डेली लगभग एक महीना वीडियो देखेंगे तो आपके पास कम से कम 15 क्वेश्चनों का एक यूपी स्पेशल के एक संग्रह आपके पास बन जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बताए भी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 87 का है, तो आपका इस मिलान तो हमने बता ही दिया है, तो इसका ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। देख लीजिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। आपको यहाँ पर मिलान करने के लिए फिर से बोल दिया गया है, और यहाँ पर भी स्थान आपको यहाँ मिलाना है 88 में। तो आपका देखिए भीतरी नामक स्थान आपके गाजीपुर जनपद में है, कहाँ पर है भीतरी स्थान आपके, कहाँ पर है गाजीपुर जनपद में है, जो कि इसका आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है, गाजीपुर जनपद में है। और यहाँ से स्कंदगुप्त का स्तंभ लेख आपका प्राप्त हुआ है। वहीं पर अगर बात करें कि लोलार्क कुंड, लोलार्क कुंड आपके वाराणसी में है, ठीक है, कहाँ पर है इसका आपका सेकंड का आपका फोर्थ हो जाएगा, आपका ये आपके कहाँ पर है आपके वाराणसी में है। और ऐसी मान्यता है कि पुत्र प्राप्ति हेतु इस कुंड में स्नान व अनुष्ठान किया जाता है। और अगला आपका है मणिपर्वत, ठीक है, मणिपर्वत का आपका यहाँ पर है, तो आपके अयोध्या में है, तो इसका आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा अयोध्या में, ठीक है। तथा पंचमहल जो कि फतेहपुर सीकरी में है, जिसे अकबर ने बनवाया था, इस प्रकार से आपका यहाँ पर इसका सेकंड हो जाएगा। तो ये भी क्रम आपके यहाँ पर देख सकते हैं 88 का, ठीक है। तो 88 का अगर इसे यहाँ पर मिलान करेगा तो आपका यहाँ पर फोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है 89 नंबर कि महर्षि दधीची का आश्रम कहाँ पर स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और आपको आता भी है कि आपका जो महर्षि दधीची का जो आश्रम है वो आपके कहाँ पर है। तो ऑप्शन राइट आपका सेकंड आपकी नैमिषारण्य, ठीक है, नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपस्थली मानता है। इसके बारे में कहा जाता है कि महर्षि दधीच जिन्होंने राक्षसों का नाश करने के लिए देवताओं को अपनी अस्थियों दान में दे दी थी, यह आश्रम यहीं पर आपका स्थित है, ठीक है। और इसे 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखना, इसे 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहा जाता है, ठीक है, जो सीतापुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 90 नंबर आपसे कह रहा है कि मिश्रिक किस जनपद में अवस्थित है, मिश्रिक किस जनपद में अवस्थित है, तो ये भी आपका स्थित है कहाँ पर, आपके ऑप्शन आपके बी आपके सीतापुर, अर्थात सीतापुर में कौन आपका नैमिषारण्य से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर सीतापुर जनपद में ही स्थित है आपका मिश्रिक। कहा जाता है कि महर्षि दधीचित ने अपनी अस्थि दान करने के पूर्व समस्त तीर्थों के जल से स्नान किया था, जिससे इसका नाम मिश्रित या मिश्रिक पड़ा था। और यहाँ महर्षि दधीची आश्रम व सीता कुंड भी आपके दर्शनीय स्थल भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह रहे हैं आपसे यहाँ पर कि किस स्थान को पीलोसान कहा गया है, ठीक है, पीलोसान कहा गया है, ये किस स्थान को, तो ये कहा गया आपके अतरंजी खेड़ा, ठीक है ना, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में काली नदी के तट पर एटा जिले में स्थित है। और यहाँ से गैरिक मृदभांड से लेकर गुप्त काल तक के अवशेष भी आपके प्राप्त हुए हैं। और ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में अतरंजी खेड़ा को जो कहा है, यहाँ पर ह्वेनसांग ने यह शब्द कहा है, ठीक है, ये जो शब्द है आपका पीलोसान, ये आपका कह सकते हैं ह्वेनसांग ने कहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है। कर आपसे वृत्ताकार अग्निकुंड किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो वृत्ताकार कुंड जो आपके प्राप्त हुए कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो 92 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, अतरंजी खेड़ा से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस स्थान का प्राचीन नाम आपका अयाज्सा था, ठीक है, अयाज्सा था, तो ये कहाँ का था, तो ये था आपके ऑप्शन राइट आपके फोर अयोध्या, याद रखिएगा अयोध्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, ठीक है ना,
कहाँ पर आपकी, तो फैजाबाद जनपद में सरयू नदी के तट पर स्थित है और इसका प्राचीन नाम आपका अजास्या था। अयोध्या उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों में आपका स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि किस स्थल से उत्तरी काली उपदार मृदभांड संस्कार से लेकर गुप्त काल तक के सात छाप के मिले हैं। ये मिले हैं आपके ऑप्शन आठ आपके थर्ड अयोध्या से, ठीक है ना, कहाँ से, अयोध्या से मिले हैं और अयोध्या कोसल जनपद की प्रमुख नगरी भी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कर आपसे उत्तरी पंचाल की राजधानी थी, उत्तरी पंचाल की राजधानी, तो उत्तरी पंचाल की राजधानी कौन थी, तो महाजनपद युग में उत्तरी पंचाल की राजधानी थी आपकी अक्षत्र थी, ठीक है, अक्षत्र जो कि ऑप्शन आठ आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या थे, अक्षत्र। और अशोक ने यहाँ एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि आपसे मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं आपके अक्षत्र से, ठीक है, कहाँ से, अक्षत्र से ही मित्र की उपाधि वाले राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपसे मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था, मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा जो थी इसका आपका केंद्र पूछ रहा है, तो ये केंद्र था आपका ऑप्शन आपका सी आगरा में, ठीक है ना, कहाँ पर थी आपके 97 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आगरा में थी, ठीक है, मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और यह व्यवसायिक केंद्र के रूप में भी आपका समस्त भारत में चर्चित था और सभी यूरोपीय यात्रियों ने आगरा के वैभव की प्रशंसा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं कर आपसे कि कन्नौज की सर्वाधिक उन्नति किस शासक के समय हुई थी, कन्नौज की सर्वाधिक उन्नति किस शासक के समय हुई थी, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है और ये हुई थी आपके 98 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हर्षवर्धन, ठीक है ना, कब हुई थी, हर्षवर्धन। आपको पता होगा कि पुष्यभूत शासक हर्षवर्धन के समय कन्नौज की सर्वांगीण उन्नति आपकी हुई थी, ठीक है, और होयसांग ने तत्कालीन वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा भी इसकी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस नगर पर प्रभुत्व स्थापित करने हेतु त्रिपुट संघर्ष हुआ था, या हम लोग त्रिगुट संघर्ष के नाम से भी जानते हैं, तो आपका त्रिपुट या संघर्ष हुआ था किस नगर के लिए, तो आपका ये हुआ था 99 का ऑप्शन फर्स्ट आपका कन्नौज के लिए हुआ था, याद रखिएगा। आपके हर्षोत्तर युग में कन्नौज पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए गुर्जर प्रतिहारों और पालों के बीच आपका और राष्ट्रकूटों के भी मध्य आपका युद्ध हुआ था, इसलिए इसे त्रिदलीय संघर्ष का कारण भी आपका ये माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कर आपसे कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था, तो मोहम्मद गोरी के समय जो आपका था अभी हमने बताया था कि जयचंद गढ़वाल था, ठीक है ना, कौन था, जयचंद गढ़वाल यहाँ का उस समय शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किस स्थान पर अवस्थित महाविद्यालय में ह्वेनसांग ने अध्ययन और का अध्यापन किया था। अगर आपने इतिहास पढ़ा है, ठीक है ना, तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोगों के लिए हम लोग स्पेशल जो कि आपकी यूपी की इतिहास है उसका भी वीडियो यहाँ पर हम लोग क्रम से ले आएंगे, ताकि हमें पता चल पाए कि आप लोग तैयारी कितनी किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है, तो हम आपकी जो यूपी है अर्थात कह सकते हैं इतिहास है, तो 1000 ईस्वी तक का जो इतिहास है आपके आपकी यूपी से आपके बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ह्वेनसांग ने अध्ययन और अध्यापन कहाँ पर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी, दक्षिणी पंचाल की राजधानी की थी, तो ये थी आपकी डी आपकी कांपिल थी, ठीक है, क्या थी, कांपिल, जो कि उत्तर प्रदेश के बदायूं और आपके फर्रुखाबाद के मध्य गंगा नदी तट पर आपका स्थित आपका महाजनपद युग में एक प्रमुख नगर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अशोक के 8वें बृहद शिलालेख में किस स्थान का वर्णन हुआ है, तो आपके 8वें बृहद शिलालेख में जो आपका वर्णन हुआ है वो किसका वर्णन हुआ है, तो ये हुआ है कुशीनगर का, याद रखिएगा। कुशीनगर की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित आपका कसिया स्थान से की गई है और दिव्युदान दिग्निकान अशोक के 8वें बृहद शिलालेख के आपके जो कि हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महाजनपद काल में कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ये जनपद में कौन थी, तो ऑप्शन राइट आपका सेकंड हो जाएगा वत्स, ठीक है ना, आपकी कहाँ की राजधानी थी, तो ये आपकी वत्स की राजधानी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा स्थल उत्तरापथ व दक्षिणापथ का पड़ाव स्थल था, उत्तरापथ व दक्षिणापथ का पड़ाव स्थल था, ये था आपके ऑप्शन आपके थर्ड कौशाम्बी, याद रखिएगा कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पश्चात
कौशाम्बी आर्थिक व धार्मिक महत्व का केंद्र स्थल आपकी बन गई थी और कौशाम्बी उत्तरापद और के दक्षिणापद का पड़ाव स्थल भी आपका यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा स्थल थेर पंथ का प्रमुख केंद्र था, कौन सा स्थल थेर पंथ का प्रमुख केंद्र था, ये केंद्र था आपका यहाँ पर कौशाम्बी ही था, आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि किसके आक्रमण ने कौशाम्बी को विशेष क्षति पहुंचाई थी, तो कौशाम्बी को जो विशेष क्षति पहुंचाई थी किसके आक्रमण से, तो ये आक्रमण हुआ था आपके आपके तोरमाड़, ठीक है ना, तोरमाड़। महाजनपद युग में कौशाम्बी वत्स जनपद की राजधानी थी जहां का राजा था आपका उदयन और हूण नेता था आपका तोरमाड़ के आक्रमण से कौशाम्बी को विशेष क्षति आपकी पहुंची थी, हूण नेता थे आपके तोरमाड़। नेक्स्ट कर आपसे मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गदारी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, कहाँ की थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो आपकी स्वर्गदारी की जो स्थापना की थी आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने वो आपके कहाँ पर किया था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 108 का हो जाएगा, थर्ड आपके कड़ा, ठीक है ना, कहाँ पर किया था आपके कड़ा पे किया था, ठीक है, ये आपके मुगल काल व सल्तनत काल महत्वपूर्ण आपका इक्ता भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहां पर की गई थी, तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या हुई थी वो आपकी हुई थी ऑप्शन आपका फोर कड़ा में ही हुई थी, ठीक है ना, कड़ा में ही हुई थी और यहां पर कड़ा का सूबेदार आपका अलाउद्दीन खिलजी ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है 110 कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार कौन था, तो 110 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपके यहाँ पर फर्स्ट आपके अलाउद्दीन खिलजी, जो भी हमने आपको बताया भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो शेर शाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी कलिंजर पर हुई थी, याद रखिएगा आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आपकी कलिंजर पर हुई थी, सैन्य अभ्यास के दौरान बारूद का विस्फोट हो गया था, तो शेरशाह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है, कलिंजर पर हो गई थी। नेक्स्ट कर आपसे कलिंजर को किस मुगल बादशाह ने अपने अधीन कर लिया था, तो ये मुगल बादशाह थे जिन्होंने यहाँ पर कलिंजर को अपने अधीन कर लिया था, तो ये आपके थे आपके ऑप्शन आपका फोर अकबर, ठीक है ना, कौन थे, मुगल सम्राट अकबर ने आपके 1569 में कलिंजर के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर कलिंजर पर अधिपत्य स्थापित कर लिया था, ये मुगल समय की बात कह रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किसने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था, तो कालपी को दिल्ली का सल्तनत अंग बनाया था, ये किस बनाया था, तो आपको यहाँ पर थर्ड हो जाएगा आपका यहाँ पर ऐबक, ठीक है ना, कौन थे आपके, ये ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि फिरोज शाह तुगलक का भी एक रोल रहा है, क्या रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के बाद ही कालपी एक स्वतंत्र अंग भी बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किसने कोइल को दिल्ली सल्तनत काल में मिला दिया था, तो कोइल को मिलाया था, कोइल तमाम लोग इसे कोल के नाम से जानते हैं, तो कोल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में स्थित है, तो आपका ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ऐबक ने ही मिलाया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 115 है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और आप लोगों ने इस वीडियो में कितने प्रश्न देखे हैं, तो इस प्रश्न में आप लोग देखें 55 प्रश्न आपने देखा है, ठीक है, 55 प्रश्न देखे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहे, फुल डिटेल में हमने आपको बताया भी है, तो आपको यहाँ पर काशी का सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।